मित्रों इनके सारे के सारे मंत्री आज इस बात को कह रहे हैं, सारे के सारे मंत्री। कल गोविंद सिंह जी दतिया में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि हम जो है कर्जा माफ नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कहा जरूर था। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह बोले कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के किसानों से आके माफी मांगना चाहिए। आपके शिवपुरी गुना के पूर्व सांसद ने भिंड में कहा कि 50,000 तक के भी कर्जे माफ नहीं हुए। ऐसा ही है कि नहीं है? मैं नहीं कह रहा, ये मैं बातें कर रहा हूं उनकी जो कांग्रेस के नेता है। उन कांग्रेस के नेता के मंत्री कहती है कि बिना पैसे लिए दिए कोई ट्रांसफर नहीं होता। सपा का विधायक कहता है लिफाफा लेके जाओ तो ही ट्रांसफर होते। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? इनका वन मंत्री कहता है कि सबसे बड़ा शराब माफिया और माइनिंग माफिया दिग्विजय सिंह है। मैं नहीं कह रहा, उसने कहा और आज तक किसी ने खंडन नहीं किया इस बात, एक ने भी खंडन नहीं किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के 6 महीने के अंदर उनके स्टाफ के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन पकड़ा जाता है। पूरे प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है, लूट। आप सब साक्षी हो, आप सब यहाँ पर बैठे हो, बताओ कि सूखा पड़ने पे शिवराज सिंह की सरकार तत्काल राहत राशि जारी करती थी, करती थी कि नहीं करती थी? हम हर साल गेहूं की जब खरीदनी होती थी तो बोनस की घोषणा करते थे, टाइम पर बोनस मिलता था। मिलता था कि नहीं मिलता था? अभी पिछले साल का गेहूं आज तक बोनस नहीं आया, वो 100 साल आ गया क्या किसी के? ये सारे कांटे फर्जी लगाते हैं, जब लगाते हैं, जब आधी खरीदी हो जाती है पर उसके बाद भी बोनस नहीं देते हैं। इनके पास में आईफा अवार्ड हीरो एंड हीरोइन को नचवाने के लिए 700 करोड़ रुपया इसी महीने में कमलनाथ सरकार खर्च कर रही है। कितने रुपए? 700 करोड़ रुपए। ट्रांसफर में खर्च कर दिए 800 करोड़ रुपया। स्थापना व्यय में 800 करोड़ खर्च कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर हवाई जहाज नया खरीद के ला रहे हैं। एक हवाई जहाज तो हेलीकॉप्टर रखे हैं पर कमलनाथ जी एक हवाई जहाज और खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसे हैं। इंदौर में आईटी का पुरस्कार हीरो हीरोइन का किया, उसमें करोड़ों खर्च कर दिए, उसके लिए पैसे हैं। विधान परिषद बनाओ, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन किसान का कर्जा माफ करो तो कहते हैं कि कर्जा खजाना खाली छोड़ के गए हैं भाजपा वाले। मंत्रियों के बंगलों के मेंटेनेंस पे 30-30 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, उसको पैसे हैं। लेकिन नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दे दो, अगर ये कह दोगे तो कहेंगे खजाना खाली है, हमें तो कर्जा